अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों और बहू, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा चैनल माँ जी अर्पण मौला, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ क्रीम चाट। क्रीम चाट जब आप देखें घर में कि बच्चे जो है वो फल नहीं खा रहे हैं और वो पड़ा हुआ है और वो आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप फौरन क्रीम चाट बना लें, तो फिर देखें बच्चे किस तरह ख़त्म करते हैं। तो आज मैं यही करने लगी हूँ कि फल ले लेती हूँ लेकिन वो खाने का शौक़ बेटी इतना नहीं करती, तो मैंने कहा आज इसका हल तो करूँ ना, इससे पहले कि मैं चीज़ ज़ाया नहीं होने देती हूँ, ख़राब नहीं होने देती हूँ, मैं उसका ज़रूर ना ज़रूर कोई सोल्यूशन निकाल लेती हूँ। पहले मैं बनाने लगी हूँ क्रीम चाट। तो आज मैं बनाने लगी हूँ क्रीम चाट। क्रीम चाट जब आप देखें घर में कि बच्चे जो है वो फल नहीं खा रहे हैं और वो पड़ा हुआ है और वो आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप फौरन क्रीम चाट बना लें, तो फिर देखें बच्चे किस तरह ख़त्म करते हैं। तो आज मैं यही करने लगी हूँ कि फल ले लेती हूँ लेकिन वो खाने का शौक़ बेटी इतना नहीं करती, तो मैंने कहा आज इसका हल तो करूँ ना, इससे पहले कि मैं चीज़ ज़ाया नहीं होने देती हूँ, ख़राब नहीं होने देती हूँ, मैं उसका ज़रूर ना ज़रूर कोई सोल्यूशन निकाल लेती हूँ। पहले मैं बनाने लगी हूँ क्रीम चाट। और एक आपको और एक बड़ी अच्छी टिप देती हूँ मैं आपको, भैया बताती हूँ कि अगर आप अपना फ्रेश केले लें, आप वो बनाना लें और डबल अखबार में लपेटें, बिल्कुल कवर करके उसको शॉपिंग बैग में अच्छी तरह से बांध लें और उसको आप फ्रिज में रख दें। आप 8 दिन के बाद अगर उसको निकालेंगे, आप उसको छीलेंगे, तो आप केले का छिलका वैसे का वैसे ही होगा जैसे आपने रखा है। ये मेरा आजमूदा ये टोटका है और आप भी ज़रूर ये करके देखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा साल्ट और डाल रही हूँ इसमें चीनी। ये एप्पल ही मैं डालूंगी। अब डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च। अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध ताकि वो इसमें सब। अब इसको मैश कर लेती हूँ। काटने में तो काफी टाइम लगेगा, खाने में तो खाना मिनटों का काम है, बनाना जो है वो टाइम लग जाता है। जाहिर है कि कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। अब मैं इसके बाद फिर वो मैक्रोनीज भी डालूंगी और सारा वो बादाम और वो मेवा वगैरह वो सब कुछ डालूंगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैंगो। मैक्रोनीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लच्छेदार भी है और दूसरी भी है।
और साथ में डालती हूँ इस बादाम है, किशमिश है और ये क्रश कोकोनट है। ये देखिए ये मैं इसमें सारी डालने लगी है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहनों बेटियों ये देख लें मैंने स्पीड से बना दिया ये क्रीम चाट। माशाल्लाह मेरे नवासे को बहुत पसंद है, माशाल्लाह मून को बहुत पसंद है। तो दूसरा नवासा जो है उसको ये पता ही नहीं है कि फल का जायका क्या है। वो कोई कोई फल हालांकि मैंगो तक नहीं वो खाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये रेडी हो गई है और टेस्ट इसका करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बिल्कुल हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है। चलिए व्यूअर्स ये आज का व्लॉग है क्रीम चाट। तो आपको इसमें ये बेटियों बहुओं को नसीहत ये करनी थी कि आप फल को ज़ाया ना करें और इस तरह बना के बच्चों को दे दिया करें। चलिए अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा पूरा क्या उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी टिप है वो पसंद आई होगी। एक बनाना की और एक अगर आपके बच्चे फल नहीं खा रहे तो उसको ज़ाया नहीं करना। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।